आज हम सबकी मनपसंद डिश रबड़ी बनाने वाले हैं। रबड़ी अक्सर सभी को बहुत ही पसंद आती है और सच में आप इसे खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसको हम बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट से बनाएंगे और झटपट से। तो इसको बनाने के लिए हमने दूध ले लिया है, 2 लीटर दूध। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, फुल क्रीम दूध या टोंड मिल्क, गाय का या भैंस का। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि गाढ़ा दूध होगा तभी आपकी रबड़ी अच्छी बनेगी। रबड़ी बनाने के लिए हम मोटी तली के बर्तन का यूज़ करेंगे, जैसे एल्यूमिनियम की कढ़ाई या लोहे की कढ़ाई मोटी होती है तो वो ले सकते हैं। लेकिन इसे बनाने के लिए हम स्टील के बर्तन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि स्टील के बर्तन में बनाने में बहुत परेशानी होती है और नीचे से जल जाता है। तो जैसे जब हमारा दूध उबलने लगा था तो इसमें हम स्टील का बड़ा चम्मच डाल देते हैं। इस तरीके से आप इसको उबाल सकते हैं, क्योंकि दूध को उबलने में बहुत टाइम लगता है और हम कंटिन्यू इसको खड़े खड़े तो नहीं उबाल सकते हैं। आप इसमें स्टील का चम्मच डाल देंगे और कुछ भी काम कर सकते हैं। स्टील का चम्मच डालने से दूध हमारा गिरता नहीं है। जब ये दूध धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता है तो इसको आप नीचे से थोड़ा प्रेशर के साथ चलाएं नीचे से, ताकि ये नीचे से लगे ना। और इस तरीके से हम इसको चलाते जाते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे ये गाढ़ा होते जाता है। लास्ट टाइम जब दूध इतना गाढ़ा हो जाता है तो थोड़ी हम इससे डिस्टेंस बना के रखेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो करके इसको पकाएंगे, क्योंकि इस समय इससे छींटे उचटते हैं और इसके कारण से हम जल सकते हैं। तो प्लीज़ डिस्टेंस मेंटेन करें, हमें इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। हमको खोवा नहीं बनाना है, मावा नहीं बनाना इसका। अब इसमें हमने 2 टीस्पून चीनी ऐड कर दिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी हम कम ही डालेंगे। और इसमें हमने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, इलायची पाउडर फ्रेश होना चाहिए। और इसको हम मिक्स कर देते हैं, चीनी हमारी अच्छी मेल्ट हो जाती है, तब हम गैस ऑफ कर देते हैं। ये इतना ही गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। आप इसको जब ठंडा हो जाए उसके बाद खाएं। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसमें